मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह खान दुरानी है। मैं कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, बॉडी एक्सपर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर क्वेटा में होता हूँ। मैं 10 दिन कराची बॉडी एक्सपर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर जो कि गुलशन इकबाल में होता हूँ, 20 दिन क्वेटा में होता हूँ जो कि क्लिनिक हमारा जिना रोड पर सिचुएटेड है, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी कराची इसराइन इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज से किया है। मेरी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इंजरीज में है, वो भी कराची से ही की है मैंने, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आजकल मैं मोस्ट जो कॉमन है वो नेक पेन, बैक पेन, नी पेन के हवाले से बात करूँगा। हर घर में तकरीबन 3-4 पेशेंट हैं जो कि नेक पेन है, नेक पेन के हैं, बैक पेन हैं और नी पेन के पेशेंट्स मौजूद हैं। तो मेरा तरीका इलाज ये है कि विदाउट पिल्स, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी में इलाज करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि मेन कॉजेज़ क्या है बैक पेन की। हमारे यहाँ नेक पेन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। मोबाइल फ़ोन जो है वो गलत इस्तेमाल करना, पोस्चर का प्रॉपर तरीके से ना होना, और बैक के इशू इसी तरीके से हैं जो कि वेट हम लिफ्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, हमारी बायोमैकेनिक्स प्रॉपर नहीं होती, हमारे बैक पे ओवरलोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो डिस्क है स्पाइनल डिस्क वो अपनी जगह से हर्निएट होते हैं, जिसकी वजह से एक्शियाटिक सिम्टम्स आने लगते हैं। इसी तरीके से जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास जॉइंट है, नी जॉइंट, मोस्टली आजकल की जो पेशेंट्स हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस 45 के बाद आना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज जो है वक्त के साथ साथ इरोज होने लगता है, जिसकी वजह से दोनों बोन्स जो है आपस में रगड़ खाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। या आम अल्फाज में लोग ये कहते हैं कि हमारे घुटने का स्पेस आ चुका है। बेसिकली वो स्पेस नहीं होता, वो दोनों घुटनों के बीच में स्पेस रिड्यूस होता है, तब जाके दोनों हड्डियां दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो घुटने का दर्द होता है। तो इन सब का इलाज जो है वो मैं विदाउट पिल्स, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट सर्जरी करता हूँ। विदाउट यानी कि मेरे पास मल्टीपल थेरेपीज है, शॉक वेव थेरेपी है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, मैग्नेटिक थेरेपी है, इसके साथ साथ ट्रैक्शन थेरेपी है, एक्यूपंक्चर, ट्रैनेटिंग, यानी कि हम पेशेंट की कंडीशन को देख के ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के पेन को, नेक पेन को, बैक पेन को और आर्थराइटिस पेन जो है वो किस तरीके से रिलीव कर सकते हैं। तो ये पेन जो है फर्स्ट ऑफ हमने बेसिकली पेन को नहीं ख़त्म करना, पेन की जो कॉजेज़ है वो कॉज को ख़त्म करना होता है। तो पेन की कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि मसल्स अगर इंसान की बॉडी के वीक होंगे तो प्रेशर जो है वो मोरों पे जाएगा, मोरे अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाएंगे, हिलेंगे तो शैटिक नर्व, बैक से एक नर्व आ रही है जो कि पाँव की तरफ रेडिएट कर रहा है, वो नर्व को कंप्रेशन कॉज कर रहा होता है जो कि वो एक रेडिएट कर रहा होता है पेन। तो हम बेसिकली विदाउट पेन, विदाउट पिल्स इंजेक्शन किस तरीके से वो इलाज करते हैं, विदाउट सर्जरी किस तरीके से इलाज करते हैं, वो हमारे पास ट्रैक्शन मशीन होती है जिसमें पेशेंट को स्पाइन लाइन में लटा के हम बेल्ट बांध के तो एक लंबर रीजन को ट्रैक करते हैं, जो रेडिएटिंग पेन है वो रिमूव हो जाता है। इसके साथ साथ आर्थराइटिस पेन को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, वो आर्थराइटिस पेन में जो बेसिकली कार्टिलेज की इरोजन होती है, वो ऐसी मॉडलिटीज़ हमारे पास हैं जो कार्टिलेज अगर ग्रेड 1-2 तक मौजूद है तो उसको दोबारा से रीजनरेशन या रीबिल्ड में मदद दे रहा होता है। इसके साथ साथ हम अपर जो क्वाड्स मसल हैं या बैक के मसल्स हैं या ग्लूटियल मसल्स हैं जो कि मेन नी जॉइंट को हेल्प कर रहे होते हैं, उसमें मदद देते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को एक और भी मैं बात बताता चलूँ कि जो पेशेंट्स को जो है वो एक अपनी प्रॉपर तरीके से एक अपना अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए कि मसल स्ट्रेंथ में, यानी कि डेली एक्सरसाइज करें, विटामिन डी प्रॉपर तरीके से वो लें, ना कि मेडिसिन, बल्कि जो धूप में बैठना जो है वो ज़रूरी, 1 घंटे तक वो धूप में बैठें और वाटर इंटेक अपना बढ़ाएं तो इंशाल्लाह पेन जो है वो कम से कम रिड्यूस होगा। तो मैं 20 दिन जो है वो क्वेटा में होता हूँ। इससे कोई कंडीशन हो तो यहाँ पर आप जो है मरहम के थ्रू जो है मुझसे आप अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हैं और मेरे क्लिनिक को भी विजिट कर सकते हैं। और ऐसे पब्लिक जो कि कराची में मौजूद है, स्पेसिफिक मेरी डेज होती हैं, हमारा अपना पेज है उस पर ये मेंशन है कि इतने डेज में कराची में होता हूँ, तो जो कराची की पब्लिक है वो मुझे ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं और वो मेरे क्लिनिक को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।